बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर ऑफ़ यंग स्कॉलर स्कूल फॉर क्लास वन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समर वेकेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने अपना ये होमवर्क कैसे करना है। सब्जेक्ट है मेरे पास वाकफियत आमा, इस्लामियात और उर्दू। सबसे पहले मैं आपको इन स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं इनके बारे में बताऊँगी। पहले रिज़ल्ट कार्ड है, मार्क्सशीट। इस सफ़े पर तातीलात गर्मा का होमवर्क चेक करके मार्क्स दिए जाएंगे और ये मार्क्स फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में बाकायदा शामिल होंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, इस सफ़े पर अपने नाम के अलावा कुछ ना लिखें, जस्ट अपना नाम लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ये नेक्स्ट पेज जो है ये वालदैन के लिए है। इस सफ़े पर ये तमाम हदायात हैं, जो वालदैन से गुजारिश है कि ये तमाम हदायात जो हैं इनको गौर से पढ़ें। यहाँ पे उर्दू के काम में जो चीज़ें शामिल हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे हम्द, नात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम असबाक के सवालात और इसकी मशकें जो हैं वो शामिल हैं जो याद करनी है। इसके अलावा इस्लामियात का काम है सबक वन, तौहीद का तारुफ़, सबक टू 2.2 नबूवत और रिसालत, सबक 2.3 मस्जिद और अजान, सबक 2.4 नमाज, बाब सोम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इन तमाम असबाक के अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात लिखने और याद करने हैं। बाब वन मेरा तारुफ़, ये वाकफियत आमा का काम है, इसमें मेरा तारुफ़। बाब टू मेरा ख़ानदान, बाब थ्री खेल और इनके कवानीन, बाब फोर मेरा पड़ोस, बाब फाइव इबादत गाहें, बाब 11 हमारा जिस, बाब 12 सेहत और सफाई। ये तमाम असबाक इसमें शामिल हैं। इसके सवालात और इसकी मशकी सवालात जो हैं वो आपने नोटबुक से देखकर करने हैं और याद भी करने हैं। अब मैं आपको उर्दू पहला सब्जेक्ट है इसके बारे में बताऊंगी कि इस काम को आपने कैसे करना है। फर्स्ट पेज है आपका इरकान और अल्फाज साजी। इसमें आपने अलिफ से अलिफ अरकान है और इससे आपने अल्फाज साजी करनी है, जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा बा जा, जीम अलिफ जा, ते अलिफ ता जा ता, ते अलिफ ता, रे अलिफ रा तारा। इसी तरह से आपने तमाम जो अल्फाज साजी है वो ऐसे ही करनी है और ये आपने अपनी किताब से देखकर सारा इस पर लिखना है, लिखना और याद भी करना है। ये तमाम पेजेस आपने बुक से देखकर लिखने हैं। उसके बाद है आपका सबक वन हम्द। हम्द में आपने इमला लिखें और इमला के अलावा अल्फाज के मायनी और सवालात के जवाबात आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद है आपके मशकी सवालात हैं जो बुक से लिए गए हैं, आपने बुक से जो है इसकी एक्सरसाइज को जो है वो हल करना है। और ये तमाम पेजेस जो हैं ये बुक से लिए गए हैं, आपने बुक से देखकर जो आपको फिल करवाए गए हैं उधर से आपने देखकर इसको हल करना है। अब सबक टू है नात। इसमें इमला, इस अल्फाज के मायनी और सवालात के जवाबात ये सब आपने नोटबुक से देखकर लिखने और याद करने हैं। इसके अलावा जो बुक वर्क है, मशकी सवालात हैं जो, वो आपने अपनी किताब से देखकर लिखने हैं जो आपको पहले से करवाए गए हैं। सबक थ्री है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसमें इसकी इमला, अल्फाज के मायनी और इसके सवालात के जवाबात आपने नोटबुक से देखकर लिखने और याद करने हैं। इसके बाद बुक वर्क है सारा, वो आपने बुक से देखकर लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबक थ्री है जो आपका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, किताब से देखकर आपने इसकी कहानी लिखनी है, यानी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कहानी है वो आपने बुक को खोलकर उसमें से ये पेज लिखना है। किताब सफ़ा 46 से देखकर आपने पैराग्राफ लिखना है, उसमें मेरा तारुफ़, मेरा घर ये शामिल हैं। और आपकी नोटबुक पे जो ये यहाँ पे सलूशन दिया गया है
नोटबुक पे भी ये है और आपके ये रजिस्टर की बैक साइड पे भी सॉल्यूशन मौजूद है। इसमें इमला के अल्फाज और अल्फाज के मायने शामिल हैं जो आप इससे देखकर भी कर सकते हैं। इसमें हम्द के अलावा नात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमला के अल्फाज और अल्फाज के मायने आपके सॉल्यूशन में दिए गए हैं। नंबर टू इस्लामियात सब्जेक्ट है। इस्लामियात सब्जेक्ट में सबक टू तौहीद का तारुफ, अल्फाज के मायने और इसके अलावा सवालात के जवाबात, ये आपको नोटबुक पर लिखवाए गए हैं, आपने नोटबुक से देखकर लिखने और याद करने हैं। इसके अलावा बुक वर्क है, बुक वर्क आपने अपनी किताब से देखकर लिखना है। सबक 2.2 नबुवत और रिसालत, सवाल नंबर एक अल्फाज के मायने लिखें और इसके अलावा बुक वर्क शामिल है जो आपने अपनी बुक से देखकर करना है। इसके बाद सवालात हैं जो आपकी नोटबुक पर दर्ज करवाए गए हैं, आपने उससे देखकर ये हल करने हैं। मस्जिद और अजान, सबक 2.3 है मस्जिद और अजान और इसका सवाल नंबर एक है अल्फाज के मायने। अल्फाज के मायने आपकी नोटबुक पर दिए गए हैं जो आपने अपनी नोटबुक से देखकर इस पर लिखने हैं और इसके अलावा इसका काम जो है वो सारा बुक वर्क आपने अपनी बुक से देखकर हल करना है। दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ये सवालात आपको आपकी नोटबुक पर करवाए गए हैं, वहाँ से देखकर आपने यहाँ लिखने हैं। सबक 2.4 नमाज, अल्फाज के मायने आपने अपनी नोटबुक से लिखने हैं और यहाँ पे बुक वर्क जो है वो आपने अपनी बुक से हल करना है, बुक से देखकर लिखना है। सवाल नंबर थ्री है सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ये भी आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं और याद करने हैं। बाब सोम हमारे प्यारे नबी, ये भी आपने इसके अल्फाज मायने, इसके सवालात और इसका बुक वर्क आपने नोटबुक और बुक से देखकर ही करना है। इसके बाद कुछ कलमात हैं, ज़ैल में दिए गए कलमात के नीचे इनका तर्जमा खुशखत तहरीर करें, आपने अपनी खूबसूरत राइटिंग में यहाँ पे इन कलमात का तर्जमा जो है वो खुशखत मतलब नीट राइटिंग में आपने इसको लिखना है और याद करने की भी कोशिश करनी है। सफ़ा नंबर 17-18 से देखकर तौहीद का तारुफ कहानी लिखें, यहाँ पे सफ़ा नंबर दे दिया गया है 17 और 18, आपने वो ये देखकर यहाँ पे तौहीद का तारुफ कहानी जो मुकम्मल लिखी हुई है आपने वो इधर लिखनी है बुक से देखकर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वाकफियत आमा। वाकफियत आमा में मेरा तारुफ बाब 1 है, किताब सफ़ा 4-5 से देखकर लिखें, इसमें आपने मेरा तारुफ जो है वो सफ़ा नंबर 4 और 5 से देखकर लिखना है। उसके बाद ये जायज़ा, ये भी आपने अपनी बुक से देखकर करना है, ये सारा काम आपकी बुक से और आपकी नोटबुक से दिया गया है। खेल और इनके कवानीन बाब 3 है ये, सवाल नंबर 1 दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात दें, ये आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं। मेरा पड़ोस बाब 4 है, ये भी आपने सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं और मशकी सवालात आपने अपनी बुक से देखकर हल करने हैं। इबादत गाहें हैं, इसमें आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं और यहाँ पे मशकी सवालात आपने अपनी बुक से देखकर हल करने हैं। हमारा जिस्म बाब 11 दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात, ये भी आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने और याद भी करने हैं और इसके जो मशकी सवालात हैं जैसे तस्वीर को अल्फाज से मिलाएं और इस तरह के और क्वेश्चन जो हैं आपने अपनी बुक से देखकर इसको हल करना है। इसी तरह बाब 12 सेहत और सफाई, इसके सवालात के जवाबात आपने अपनी नोटबुक से देखकर लिखने हैं और बाकी जो आपने मशकी सवालात हैं वो आपने अपनी किताब से देखकर हल करने हैं। आपने ये तमाम काम अपनी नीट राइटिंग में करना है और आपने ये काम किसी से नहीं करवाना बल्कि खुद करने की कोशिश करनी है और अच्छे तरीके से अपना काम करना है। इस सारे काम के मार्क्स आपको मिलेंगे जो आपके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स में इंक्लूड होंगे। अल्लाह हाफिज़।